माय डियर स्टूडेंट गाइज एंड फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू स्पेशल यूज ऑफ यूज टू या वुड। भूतकाल में किसी व्यक्ति की आदत प्रकट करने के लिए यूज टू या वुड का प्रयोग करते हैं। जो कार्य हम भूतकाल में किया करते थे अब नहीं करते हैं, ऐसे कार्य के लिए यूज टू या वुड का प्रयोग करते हैं। रुचि प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी, यानी कि उसे मंदिर जाने की आदत थी। रुचि यूज टू गो टू टेम्पल डेली, या कह सकते हैं रुचि वुड गो टू टेम्पल डेली। आई मीन टू से यूज टू के स्थान पर वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। यूज टू या वुड में से एक का प्रयोग करना है और दोनों के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। देख लेते हैं, रुचि यूज टू गो टू टेम्पल डेली, या कह सकते हैं रुचि वुड गो टू टेम्पल डेली। दोनों ही सेंटेंस सही हैं। आप यूज टू या वुड में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। यूज टू या वुड का प्रयोग भूतकाल की आदत के लिए करते हैं। जो आपको भूतकाल में आदत थी अब नहीं है, उसके लिए यूज टू या वुड का प्रयोग करते हैं। हम बाग में टहला करते थे, यानी कि हमें बाग में टहलने की आदत थी। वी यूज टू वॉक इन द गार्डन, या कह सकते हैं वी वुड वॉक इन द गार्डन। यूज टू लगाइए या वुड लगाइए, बात एक ही है। दोनों के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। वह चाय पिया करता था, ही यूज टू टेक टी, या कह सकते हैं ही वुड टेक टी। आई मीन टू से यूज टू या वुड में से किसी एक का प्रयोग करना है आपको। आई एम गोइंग टू टेल यू वंस अगेन, रुचि वुड गो टू टेम्पल डेली। रुचि प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी, ये भी कह सकते हैं रुचि वुड गो टू टेम्पल डेली, या रुचि यूज टू गो टू टेम्पल डेली। यूज टू या वुड दोनों का एक ही मतलब है, करता था, करते थे, करती थी। कोई कार्य कोई व्यक्ति भूतकाल में क्या करता था उस आदत के लिए यूज टू या वुड का प्रयोग करते हैं। वी यूज टू वॉक इन द गार्डन, हम बाग में टहला करते थे, या वी वुड वॉक इन द गार्डन, ये भी कह सकते हैं। ही यूज टू टेक टी, वह चाय लिया करता था, या ही वुड टेक टी, दोनों ही ठीक हैं। माई डियर स्टूडेंट गाइज एंड फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू स्पेशल यूज ऑफ यूज टू या वुड। भूतकाल की किसी आदत के लिए जो कार्य कोई व्यक्ति या प्राणी भूतकाल में करता था अब नहीं करता है, यूज टू या वुड का प्रयोग करते हैं। यूज टू या वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठोक देते हैं। जैसे वह प्रतिदिन कॉलेज जाया करता था, ही यूज टू गो टू कॉलेज डेली, या कह सकते हैं ही वुड गो टू कॉलेज डेली। यूज टू या वुड में से दोनों में से एक का प्रयोग करना है और दोनों के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव ए वेरी नाइस डे।